हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ई आ साहब तो फ्रेंड्स आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो ये वीडियो स्कूली बच्चों के साथ साथ जो कम्पटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन आता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है तो वीडियो लास्ट तक देखें वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस तो जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसे कुछ परफॉर्म करने के लिए हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी उसे कुछ डाटा इनपुट कराना पड़ेगा तो उसी को कहते हैं इनपुट ठीक है उसको डाटा कहते हैं और जो डिवाइसेस इसके लिए यूज़ होते हैं उनको हम नाम देते हैं इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू तो हम डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं ताकि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सके तो वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैन वी यूज्ड विद द कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डाटा दैट यू वॉन्ट टू एंटर इन द कंप्यूटर जैसे जैसे जिस तरह का आपको डाटा एंटर करना है मान लो मैं टेक्स्ट एंटर करना चाहता हूँ मैंने कोई ऑडियो एंटर करनी है कोई वीडियो एंटर करनी है तो उस तरह से अलग अलग इनपुट डिवाइस यूज़ होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल की बोर्ड माउस चॉयस्टिक लाइट पेन इनपुट डिवाइसेस का और काम क्या होता है इट एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड हम यूज़र्स हो गए यूजर से ये क्या करता है डाटा एक्सेप्ट करता है इट कन्वर्ट दिस डाटा इंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म और और बाइनरी फॉर्म ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इनपुट डिवाइसेस आपका डाटा इनपुट तो कराते हैं साथ ही साथ जैसा कि आपको बता है कंप्यूटर को ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है तो इनपुट यूनिट का ये भी एक काम है कि वो उस डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दें तो इनपुट डाट इनपुट यूनिट क्या करते हैं आपका जो डाटा होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं इट्स प्लाइड द कन्वर्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस जैसे आपके यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं जैसे आपका कैमरा हो गया स्कैनर हो गया माउस कीबोर्ड बैप कैम ट्रैक बॉल जॉयस्टिक माइक्रोफोन ये आपके डिफरेंट इनपुट डिवाइस हैं तो चलिए इनको आप डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट देख गया आपका कीबोर्ड uh, कीबोर्ड की जैसे कि आपको होता है मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है इट इज़ यूज टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इन टू द कंप्यूटर जो स्टैंडर्ड आपका कीबोर्ड होता है उसमें वन जीरो फोर बटन्स कीज होती हैं तो जो uh, कीबोर्ड की जो डिफरेंट कीज होती है फ्रेंड्स तो कीबोर्ड सबसे पहले आपका यूज़ किया होता है टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए आपका कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है तो कीबोर्ड में डिफर कीज देखिए एस्केप की, कीज होगी फंक्शन कीज़ एफ़ वन टू एफ़ ट्वेल्व बैक स्पेस कीज़ नेविगेशन कीज़ एडिटिंग कीज़ और न्यूमेरिक की पैड डायरेक्शन कीज़ और आपकी अल्टर होगी कंट्रोल कंट्रोल कीज होती है अल्टर कीज़ होगी शिफ्ट कीज़ होगी और विंडो कीज़ तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड थी तो कीबोर्ड आपका टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए यूज होता है नेक्स्ट है आपका माउस माउस इज एन अनदर इनपुट डिवाइस व्हिच इज कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स इट इज बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट एंड क्लिक व्हेन द माउस इज मूव्ड ऑन द स्क्रीन पैड अ लाइट बीम अंडरनीथ रिफ्लेक्ट टू गिव मोशन टू द पॉइंटर स्क्रीन तो ये क्या होता है फ्रेंड्स एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे कि क्या होता है आपका हम स्क्रीन पे कुछ भी पॉइंट कर सकते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं इसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज होगा वो होता है आपका माउस एक और आपका इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक और गेम पैड तो जॉयस्टिक और गेम पैड है ये आपके इनपुट डिवाइस मोस्टली यूज होते हैं आपके गेम्स प्ले करने के लिए नेक्स्ट uh, है आपका स्कैनर तो जैसे कि आपको पता मालूम मैंने कुछ uh, मेरे डॉक्यूमेंट्स है मैंने उनको कंप्यूटर में फीड करवाना है एक तो आप उनका फ़ोटो लेके वैसे भी करवा सकते हैं अगर आपने फोटो लेके कर नहीं करवाया तो आपके लिए एक और इनपुट डिवाइस यूज़ होता है जो कि स्कैनर है जो आपका स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट्स को uh, किस में कर देता है कंप्यूटर में डाल देता है तो ये काम किसका होगा फ्रेंड्स ये काम होता है स्कैनर का तो स्कैनर इमेज क्या हो जाती है आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन टच स्क्रीन आपका बहुत इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक्ट होता है क्योंकि आप साथ साथ जो जो टच कर रहे हैं वो उस टाइम क्या हो रहा है आपका शो भी हो रहा है तो टच स्क्रीन आपका क्या होगा एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट डिवाइस बोथ वर्क करता है नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन माइक्रोफोन आल्सो नो कॉमन एज माइक Uh, बहुत जगह आपने देखा होगा प्रैक्टिकली यूज करते होंगे जिसमें हम uh, माइक्रोफोन के अगर कन्वर्ट योर वॉयस साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड यू विल गेट एन आउटपुट ऑन कनेक्टेड स्पीकर्स कैन बी यूज टू रिकॉर्ड वॉइस तो जो आपका माइक्रोफोन होता है हमारी आवाज़ को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज़ किया जाता है मतलब ये uh, जो आपकी आवाज़ है वॉइस है उसको कंप्यूटर में फेड करवाएगा नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा अगर मान लो आपने कोई पिक्चर्स कोई आ, वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसके लिए डिजिटल कैमरा यूज़ होते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू पिक्चर लिखते हैं यू कैन क्लिक एंड टेक फोटोग्राफ पिक्चर्स ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव फोकस्ड यू कैन कंट्रोल इट बाय इट्स सर्टेन फीचर्स तो ये आपका डिजिटल uh, कैमरा सर फ्रेंड्स uh, तो ये भी आपका क्या होता है एज ए इनपुट डिवाइस यूज होता है नेक्स्ट है आपका पारकोड रीडर बी सी आर तो मैक्सिम फ्रेंड्स आप में से शॉपिंग करने कोई और बड़े बड़े मॉल्स में गए तो वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट जो आप लेते हैं उनकी जो कैश आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉमनली एक हैंड हेल्ड डिवाइस मिलता होगा क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उस पर एक बार कोड लिखा हुआ होता है जैसे आप पिक्चर्स में पिक्चर में आप देख रहे हैं इस तरह का बार कोड लिखा होता है तो उसकी स्कैनिंग के लिए यूज को होता है बार कोड रीडर बार कोड रीडर इज इनपुट डिवाइस बार कोड स्कैनर यह हैंडल डिवाइस है इट इज एन इलेक्ट्रिक डिट कैन रीड बार कोड्स प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स तो इन प्रोडक्ट्स में जो बार कोड है उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर ये मेनली शॉपिंग मॉल में यूज होता है और uh, नेक्स्ट है आपका बैब कैम बेबकैम जैसे कि आपके पास कोई पीसी है तो उसमें आपको पता है कि कैमरा नहीं होता तो उसमें आप इस बेब कैम को यूज़ कर सकते हैं इसको यू, यूज़ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कर सकते हैं पिक्चर्स क्लिक लगने के लिए कर सकते हैं बेबकैम ये भी एक क्या आपका इनपुट डिवाइस है नेक्स्ट है आपका डिजिटाइज़र डिजिटाइजर क्या होता है आपका एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो इसमें मान लो आपको ऑनलाइन कुछ सिग्नेचर्स वगैरह है साइन वगैरह है वो इस डिजिटल डिजिटाइजर से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप तय मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। तो M.I.C.R. क्या होता है? इनपुट वे जनरली यूज्ड इन बैंक्स एज देर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक विद द स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल डेथ मशीन यूज अब फ्रेंड्स uh, आपने चेक्स देखे होंगे तो चेक के बॉटम में जो एक चेक uh, नंबर और एक uh, और कोड लुका होता है जो कि एक मैग्नेटिक uh, मटीरियल की जो स्पेशल सियाही होती है उससे लिखा होता है तो उसको रीड करने के लिए चेक को रीड करने के लिए सिंपली ये एम आई सी आर यूज होता है तो जैसे आप उस चेक को इस मशीन में डालेंगे तो आपके चेक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी नेक्स्ट है आपका लाइट पेन लाइट पेन यूज होता है आपका स्क्रीन uh, पर कुछ लिखने के लिए और नेक्स्ट है आपका ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर अगर आपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं जो एम सी के आते हैं जो चार में से आप एक सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो यूज होती है जो उसको रीड करने के लिए यूज होती है वो ओ एम आर होता है और जो शीट होती है उसको ओ एम आर शीट बोलते हैं तो ओ एम आर क्या करता है जहाँ जहाँ पे आपका डार्क किया हुआ है तो वहां पे क्या करता है आ, उसको टिक कर देगा सही कर देगा अगर आ, तभी बोलते हैं आपको कि एक ऑप्शन में अगर आपने दो द, डार्क डॉट की हैं तो वहाँ पे वो एरर देगा क्योंकि इसकी सेटिंग पहले ही ऐसी की होती है तो इट इज़ स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ सी जहाँ पे होते हैं तो फ्रेंड्स ये थे इनपुट डिवाइसेस तो अब चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस तो इनपुट डिवाइस की तरह आउटपुट डिवाइस भी क्या होते हैं इनपुट डिवाइस का काम क्या होगा कंप्यूटर में

एक्सेप्ट रिजल्ट प्रोड्यूसड कंप्यूटर विच इज इन इलेक्ट्रिक बाग्नल जो फॉर्म होता है तो ये क्या करेगा इट कन्वर्ट द रिजल्ट इन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्लाइडसाइड वर्ल्ड तो कंप्यूटर जैसे इनपुट डिवाइस क्या करते थे आपके डाटा को बाइनरी में चेंज करते थे कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म तो आउटपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेंगे जो बाइनरी फॉर्म होती है उसको द्वारा से चेंज करेंगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डिवाइस का एक तो आपको आउटसाइड दर्ल्ड डाटा शो, आ, शो कर इन्फॉर्मेशन शो करवा रहे हैं जो तो कंप्यूटर से प्रोसेस हो के आ रही है और दूसरा काम है जो आपका कन्वर्टेड डाटा है बाइनरी फॉर्म में डाटा उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये आपके वेरियस आउटपुट डिवाइस जैसे मोनिटर्स हो गए टी एफ टी सी आर टी एल सी डी प्रिंटर्स हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स प्रोजेक्टर्स ये डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट डिवाइस चलो इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मोनीटर तो मोनिटर क्या है दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इट लुक लाइक अ टीवीअल डिप्लेम डिप्लेसिंग स्क्रीन कैन बी रेफर रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनिटर्स है आपने देखे होंगे जस्ट लाइक टीवी की तरह होता है जिसमें आपको आउटपुट पार शो होता है। है। देखिए देखिए अब जो आपका आ, मुनिटर था मुनिटर में तो तो आपको आपको पार शो हो रहा है। प्रिंटर पे पे। करके मिलेगी किसी द कंप्यूटर सिस्टम इट प्रिंटेड आउटपुट ऑफ द रिजल्ट दैट अपियर ऑन द मोनिटर स्क्रीन प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट बिकॉज अनलाइक मोनिटर दिस आउटपुट कैन बी प्रिजर्व इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ और कंप्यूटर से जो प्रिंट करके जो भी हमें पेज पे मिलता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी और जो कंप्यूटर पे रहता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी तो प्रिंटर्स क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हो गए आपके करेक्टर्स लाइन पेज इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है अगर आपने प्रिंटर देखना है तो आप वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में देंगे दे दूँगा और आप मेरी प्ले लिस्ट भी उसको देख सकते हैं नेक्स्ट है प्लॉटर्स प्लॉटर्स भी कर जस्ट लाइक ऑफ प्रिंटर होते हैं पर ये क्या करते हैं प्रिंटर से थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राॅइंग्स प्रिंट कर सकते हैं जैसे आपके जनरली यूज इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स जहाँ पे बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े ड्राइंग्स प्रिंट करवाने जैसे आपने बैनर्स कोई प्रिंट करवाने हैं जो आपके रोड साइड कहीं बैनर्स लगे होते हैं शॉप्स के मार्केटिंग कोई कर रहा है तो वो उसके लिए यूज होते हैं प्लॉटर्स बाकी ये भी एक आउटपुट डिवाइस है हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है इसमें नेक्स्ट है आपके हेडफोन तो हेडफोन क्या है दोस्तों हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है जी यूज टू जनरेट साउंड हेडफोन आपके स्मॉल स्पीकर जो जिनको आप इंसान जो है कान पे लगा के सुन सकता है ये भी आपका क्या होगा हेडफोन और एक आपका आउटपुट डिवाइस रहता है एक आपका आउटपुट डिवाइस रहता है स्पीकर्स अब माइक से तो माइक से आपने आवाज़ इनपुट तो करवा दी अब उसको सुनने के लिए आ, हमें चाहिए होते हैं डिवाइसेस जिनको बोलते हैं स्पीकर जिन पे कि आप अपनी आवाज़ को एज ए आउटपुट सुन सकते हैं तो ये भी एक क्या है आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स आल्सो नोन एज आउटपुट डिवाइस तो ये थे फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वीडियो कैसी लगे कमेंट कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स